प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी करते हैं। विषय है भूगोल, वर्ग 9 क्लास, पाठ का नाम है वन और वन प्राणी संसाधन। जी हाँ मित्रों, आप लोग भूगोल के नाम पर सभी कोई वीडियो स्किप करते हैं या छोड़ देते हैं, क्या छोड़ने से ये समस्या हल हो जाएंगे? नहीं मित्रों, परीक्षा में तो आएंगे ही आएंगे, इसलिए एक बार कम से कम देख तो लीजिए। चलते हैं, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। 2001 में भारत में वनाच्छादित भूभाग देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत था? यह बताइए। 19.27%। आगे, भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए? यह बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत की राष्ट्र वन नीति के अनुसार। जी हाँ, देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए बताइए। देखते हैं इसका आंसर, 33.3%। आगे, भारत के किस राज्य में वन आच्छादित भूभाग का क्षेत्र सबसे अधिक है? जी हाँ बताइए। यह मैं जब कंप्लीट करता था ना, तो 2001 या 2 में यह प्रश्न आया था। चलिए देखते हैं इसका आंसर, मध्य प्रदेश का। आगे, वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में रखा गया है? वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में रखा गया है? ये देखते हैं इसका आंसर, 3 वर्गों में रखा गया है। आगे, भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? यहां देखते हैं, वन्य जीव और वनस्पतियों का, धारा 21 का है, ठीक है। आगे, वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये तो सभी को जानते हैं, ये बहुत ही आसान है, लेकिन ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? यह मोर, नीला मोर, ठीक है। भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित है? ये बताइए, ओडिशा में। ओडिशा में। आगे, किस भाग में मैग्रो वन का विस्तार सबसे अधिक है, यानी होट वन, ठीक है। किस भाग में मैग्रो वन का विस्तार सबसे अधिक है? देखते हैं, सुंदरवन में, सुंदरवन के भाग में मैग्रो वन का विस्तार सबसे अधिक है। आगे चलते हैं, बिना समय शुरू करते हैं। ऐसे मेरा चैनल का नाम पंकज प्रतियोगिता, एक बार सर्च करके जरूर देखिए मित्रों, मुझे लगता है आपको पसंद आएगा ही आएगा, ठीक है। आगे, भारत में अभयारण्यों की संख्या कितनी है? भारत में अभयारण्यों की संख्या कितनी है, ये बताइए। 528 अभयारण्य है, ठीक है। आगे, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? जी हाँ बताइए, इसमें बहुत ही कंफ्यूजन लोग होते हैं, जानते तो सबको हैं, चार ऑप्शन देता है उसमें, बाघ, सिंह, चीता और एक और कोई जानवर का नाम दे देगा, क्वेश्चन किताब में हर जगह अलग अलग देता है, लेकिन बिहार के किताब में मैंने देखा है हर जगह बाघ ही बाघ है, ठीक है, सिंह चीता ये सब नहीं है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ठीक है। आगे, कान्हा अभयारण्य कहाँ है? जी हाँ, बहुत ही नामी अभयारण्य है ये, कान्हा नेशनल पार्क, जी हाँ, मध्य प्रदेश में है। इसी प्रकार से एक और नाम है काजीरंगा अभयारण्य, कहाँ है काजीरंगा अभयारण्य, कहाँ है? असम में। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में। मोहगनी किस वन की उपज है? मोहगनी किस वन की उपज है? देखते हैं, चीर रहित वन की, चीर हरित वन की, ठीक है। आगे,
गिर कहाँ स्थित है? जी हाँ, गिर कहाँ स्थित है? गुजरात में। गिर गुजरात, गिर गुजरात, ठीक है। आगे, भारत के किस राज्य में सुरक्षित वन सबसे अधिक मिलते हैं? भारत के किस राज्य में सुरक्षित वन सबसे अधिक मिलते हैं? ये बताइए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्र भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आगे, देवदार के पेड़ किस प्रकार के वन में उगा करते हैं? देवदार के पेड़ किस प्रकार के वन में उगा करते हैं? ये बताइए। पर्वतीय वन में। आगे, अगर यहां तक बने रहे मित्रों तो एक लाइक तो जरूर बनता है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, न पसंद आए छोड़ दीजिए, डिसलाइक कीजिए, ठीक है। आगे, नारियल, काजू और रबर के पेड़ सबसे अधिक किस तटीय क्षेत्र में मिलते हैं? मालाबार तटीय क्षेत्र में। आगे, जब किसी भूभाग पर मनुष्यों द्वारा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं तब इसे क्या कहते हैं? जब किसी भूभाग पर मनुष्यों द्वारा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं तब इसे क्या कहते हैं? जी बताइए। वानिकी कहते हैं। आगे, सबसे अंतिम और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? जी बताइए। 22 मई को। जी, यहां तक बने रहिए, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इसमें से एक दो जोड़ आएंगे ही आएंगे। धन्यवाद मित्रों।